हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, शिक्षा विभाग से एक आदेश जारी हुआ है अतिथि शिक्षकों को लेकर, और काफ़ी आपके कमेंट आ चुके हैं कि सर रात में एक आदेश जारी हुआ है, जैसे आप डेट देख रहे हैं 15/9/2023, तो इसके क्या मायने निकलते हैं? तो चलें इसका आज विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी दुगना हो गया है, साथ में जो आने वाली भर्तियाँ हैं उनमें भी रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे नियम अब चेंज होने जा रहे हैं, जिसकी वानगी आपको इस लेटर में देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत यानी जो काम कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने विषयक, दोस्तों तो गेस्ट फैकल्टी का जो पोस्ट बना हुआ है उस पर ये दर्ज करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज कर यानी है। इस हेतु संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2019-2022 और 2023, क्योंकि इनमें ही एग्जाम हुए हैं, की छाया प्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड में संधारित करें तथा ज्वाइन कराए गए अतिथि शिक्षकों की बिंदुवार जानकारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग मॉड्यूल में दर्ज करें। क्या आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, यस या नो? ये एक तरह से छटनी यहाँ पर हो सकती है। यदि हाँ तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष कौन सा है? पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग 1 है, 2 है या 3 है? आवेदक का प्रवक्त SC/ST/OBC जर्नल कहाँ से है? आवेदक का जेंडर क्या है? उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंक यानी कि ये भी मायने रखेगा कि आपने उस एग्जाम में कितने अंक हासिल किए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त संकुलों से जानकारी दिनांक 26/9/2023 तक आवश्यक रूप से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर दो तीन बातें निकल के सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि बहुत से जो नॉन गेस्ट टीचर थे वो ये मांग कर रहे थे कि जो पात्रता परीक्षा टेट क्वालिफाइड हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए, उन्हें ही रखा जाए। सेकंड, यहाँ पर एक विसंगति ये निकल के और सामने आई थी कि बहुत सी जगह जो DEd, DLed या BEd नहीं किया है उन्हें भी अतिथि शिक्षक रखा जा रहा है, तो वो तत्काल रूप से बाहर किया जाए, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है। जो भी गेस्ट टीचर बनेंगे उन्हें BEd, DEd या DLed होना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड ये थी कि अब जो मानदेय बढ़ाया जा रहा है और जिस हिसाब से अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे उसमें क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, तो उसे देखते हुए ये अपडेट कराया जा रहा है। यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है जिनके नंबर अच्छे हैं, जो क्वालिफाइड हैं और जो BEd, DEd किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी एक तरह से जानकारी मांगी जा रही है। यह पहली वानगी है जहां पर आप देखेंगे कि टेट एग्जाम क्वालिफाइड को जानकारी मांगी जा रही है, किस वर्ष में उन्होंने किया है, किस वर्ग में किया है, मेल फीमेल की भी जानकारी मांगी जा रही है, यह सब अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद अगला जो आदेश आएगा वो इसकी वानगी होगा कि हो सकता है जो टेट क्वालिफाइड है उन्हें ही प्राथमिकता दी जाए, जो टेट क्वालिफाइड है उन्हें प्राथमिकता दी जाए, उनके नंबरों के आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाए गेस्ट टीचर में। तो ये एक लेटर उसकी वानगी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये अपील भी की थी कि जो टेट क्वालिफाइड हैं, अच्छे नंबर प्राप्त आए हैं, उन्हें क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही, और इस ओर ये लेटर आपका ध्यान आकर्षण करता है। यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है जो टेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि टेट क्वालिफाइड को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही बताऊंगा कि जो टेट क्वालिफाइड है उन्हें ही यदि प्राथमिकता दी जाती है तो जितनी भी गेस्ट टीचर की जगह है उनसे फिल हो जाएगी, और बहुत से गेस्ट टीचर क्वालिफाइड भी हैं, टेट एग्जाम पास की है अच्छे नंबरों से, तो उनके लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। साथ में जो नॉन गेस्ट टीचर हैं जिनका एक लग रहा था कि वो अब गेस्ट टीचर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, उनके लिए ये दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि यदि वो अच्छे नंबर से टेट क्वालिफाइड हैं और वो आवेदन कर चुके हैं आपके गेस्ट टीचर के लिए, या और भी मौका मिलता है आवेदन करने का वो करेंगे, तो यहाँ पर उनके नियुक्ति होने के चांसेस बन जाते हैं। और मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि जो BEd, DEd या DLed धारी हैं और जो टेट क्वालिफाइड हैं
उन्हें ही अतिथि शिक्षक रखना चाहिए, उन्हें ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।